राजस्थान के बारा छिपाबदौद उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत टाँचा मुख्यालय स्थित श्री कालाजी महाराज के बाग में वैष्णव बैरागी विकास सेवा समिति छिपाबदौद द्वारा कोटा संभाग के चारों जिलों में 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले वैष्णव बैरागी समाज के प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं और वर्तमान में पंचायत चुनावों और छात्र संघ चुनावों में जीते छात्र छात्राओं को और समाज के जिन बालक बालिका जिनका सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में चयन हुआ है उनको वैष्णव बैरागी विकास सेवा समिति छिपाबदौद अध्यक्ष विनोद कुमार वैष्णव द्वारा प्रतीत चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान वैष्णव समाज के सैकड़ों समाज बंधुओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। मेरे विचार ये है कि कोई भी समाज का संभाग अध्यक्ष बने, हमारे छात्रावास भवन कोटा के अंदर बना हुआ है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा मेहनत करके उसको बनाया गया है, तो हमारे समाज के जो भी कार्यक्रम हो उनसे वहाँ पे पैसा लिया जाता है, 5,000-10,000 उनकी रेटो फिक्स है, उसको निःशुल्क होना चाहिए। और उस भवन के अंदर छात्रावास के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे आते हैं समाज के, उनको वहाँ पर निःशुल्क रखा जाए, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाए, उनकी निःशुल्क भोजन व्यवस्था हो और उसको आगामी जो संभाग अध्यक्ष चुनाव है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।